हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। फिल्मों से ज्यादा अपने बैकग्राउंड को लेकर सुर्खियों में रहने वाली सनी लियोनी 13 मई को 37वां जन्मदिन मनाएंगी। बिग बॉस सीजन 5 में आने के बाद सनी की किस्मत ऐसी खुली कि उन्हें फिल्म डायरेक्टर महेश भट्ट ने फिल्मों में कास्ट कर लिया। पोर्न स्टार से लेकर बॉलीवुड फिल्मों तक का सफर सनी लियोनी का काफी दिलचस्प रहा। सनी के बर्थडे पर हम आपको उनकी जिंदगी से जुड़ी कुछ अनकही बातों के बारे में बताते हैं। सनी लियोनी का असली नाम करणजीत वोहरा है और वह पंजाब की रहने वाली हैं। सनी ने 50 सेकंड ज्यादा एडल्ट फिल्मों में काम किया है और 59 एडल्ट गानों को अपने पति डैनियल वेबर के साथ डायरेक्ट किया है। बहुत कम ही लोग उस बात को जानते हैं कि सनी निजी जिंदगी में कई सामाजिक कार्य करने वाली संस्थाओं से जुड़ी हैं, जो कैंसर पीड़ितों के लिए फंड इकट्ठा करने का काम करती हैं। सनी को जानवरों से खास लगाव है और पेटा से भी जुड़ी हैं। पोर्न इंडस्ट्री में कदम रखने से पहले सनी लियोनी ने जर्मन बेकरी जिफी लूब में काम किया था। सनी का सपना था कि वह नर्स बने और इसके लिए उन्होंने मेडिकल साइंस की पढ़ाई भी की थी। इस दौरान सनी ने टैक्स से संबंधित पार्ट टाइम नौकरी भी की। सनी ने 19 साल की उम्र से एडल्ट फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। कहा जाता है कि पोर्न फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने से पहले सनी ने शर्त रखी थी कि वह केवल महिलाओं के साथ ही एडल्ट फिल्म करेगी। सनी कई बार मीडिया में अपने पति डैनियल और उनके रिलेशनशिप के बारे में बात कर चुकी हैं। यहां तक कि उन्होंने यह भी कहा था कि कोई भी फिल्म वह तब तक साइन नहीं करती है जब तक डैनियल उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ नहीं लेते। जिस्म 2 फिल्म से पहले सनी लियोनी को कई बॉलीवुड फिल्मों के ऑफर मिले थे। कहा जाता है कि मोहित सूरी सनी को कलयुग फिल्म में कैमियो के लिए अप्रोच किया था, लेकिन सनी उस वक्त बड़ी फीस की डिमांड कर रही थी जिस वजह से मोहित ने उन्हें कास्ट नहीं किया। साल 2010 में सनी लियोनी का नाम मैन लीडिंग मैगजीन मैक्सिम की 12 टॉप पोर्न स्टार एक्ट्रेसेज की लिस्ट में शुमार हो गया था। एक इंटरव्यू के दौरान सनी ने कहा था कि उन्होंने अपने पेरेंट्स को खुद बताया था कि वह पोर्न स्टार बनना चाहती हैं। सनी ने यह फैसला तब लिया जब पेंटहाउस कवर ऑफ द ईयर के साथ करीब 67 लाख रुपए जीते थे।